जन्माष्टमी के उत्सव के बाद अब आगरा शहर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इस पावन पर्व पर शहर भर में गणेश पंडालों की स्थापना की जाएगी, जिसमें भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। गणेश प्रतिमाओं की इस भव्य तैयारी के लिए कोलकाता से विशेष कारीगरों की टीम आगरा पहुंची है। गणेश चतुर्थी के आयोजन की तैयारियों को लेकर इन कारीगरों ने कई महीनों की मेहनत के बाद शहर में एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाएं तैयार की। हर प्रतिमा को विशेष प्रकार की मिट्टी, फूल और रंगों का उपयोग करके सजाया जा रहा है, जिससे इनकी सुंदरता और भी निखर कर सामने आती है। वहीं इस दौरान मौके पर मौजूद रहे कारीगरों ने बताया कि उन्होंने पिछले 2 महीनों में बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाओं को तैयार किया है, जिनकी भव्यता देखते ही बनती है। शहर में अलग अलग गणेश पंडालों से कारीगरों को बड़ी संख्या में ऑर्डर मिल रहे हैं और हर कोई चाहता है कि उसकी गणेश प्रतिमा सबसे सुंदर और आकर्षक हो। खासियत मतलब कि ये हम लोग कलकत्ता से मिट्टी लेके आता है, यहाँ से यहाँ का भी कुछ मिट्टी यूज होता है। ये मिट्टी का मूर्ति बनाने से हमारा मूर्ति जब विसर्जन होता है तो उसमें गल जाता है, और एक तो ये हम लोग पानी वाला कलर यूज करते हैं इसमें जमुना जल में विसर्जन करने के लिए कोई वो नहीं है, जब मतलब कि पानी दूषित हो जाए तो बिल्कुल आधा घंटे के अंदर मेरा मूर्ति बिल्कुल गल जाएगा। गणेश चतुर्थी के इस पर्व के लिए खास तौर पर कुछ विशेष प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं, जिनमें से कुछ का आकार बड़ा है और उनमें कलात्मकता की झलक साफ दिखाई देती है। इन प्रतिमाओं के निर्माण में कारीगरों ने विशेष मिट्टी और रंगों का उपयोग किया है, जो प्रतिमाओं को न केवल सुंदर बनाते हैं बल्कि उन्हें टिकाऊ भी बनाते हैं। हम मूर्ति बनाने के लिए आते हैं। कितने सालों से इस काम में हैं? और हम तो आ जाते कम से कम 40 साल। तो शुरू में तो वृंदावन में आया था, यहाँ कम से कम 10-12 साल हो गया। अच्छा, काम करते हुए किस तरह की मूर्तियाँ बनाते हैं, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की डिजाइन होती है? ये तो जैसे कि बांस है और भूस है, धान का भूस है, बांस है, और आपका लकड़ी भी है बहुत। जैसे कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप कोलकाता से लाई? कलकत्ता से तो जैसे कि जो सिंगार विंगार सब है सब वहाँ से लाते हैं, जो यहाँ नहीं मिलता। शहरवासी इस बार गणेश चतुर्थी के उत्सव में इन विशेष प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान गणेश से आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जगह जगह गणेश पंडालों में इन प्रतिमाओं की स्थापना होने के बाद शहर की रौनक और भी बढ़ जाएगी। मून न्यूज के लिए कैमरामैन तारा चंद के साथ अनिल चौधरी की रिपोर्ट।